दोस्तों, हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, बट उस सफलता और असफलता के बीच में जो भी डिफरेंस पता कर लेता है और इन दोनों के बीच में क्या गैप होता है, इसको जो पता कर लेता है वही व्यक्ति सफल बन जाता है। ये कहानी है हमारे मिस्टर हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के ओनर है। जी हाँ, वही फोर्ड जो अपनी फोर व्हीलर इंडस्ट्री में, जिनकी कार्स इतनी फेमस कार हैं, भले ही वो इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए, बट आज वर्ल्ड वाइड वो टॉप कार निर्माता है। और उसी फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड की हम एक कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जिससे आपको ये सीखने मिलेगा कि सफलता और असफलता के बीच में जो एक दीवार होती है वो क्या होती है, और अगर हम उस दीवार को गिरा दें, अगर हम उस दीवार के ऊपर चढ़ जाएं, तो शायद हमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ये कहानी है उस वक्त की जब हेनरी फोर्ड के दिमाग में एक आइडिया आया कि फोर्ड का V8 मॉडल हमको लॉन्च करना है। इस V8 मॉडल की खासियत ये थी कि एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर रहेगा। अब सोच सकते हो कि एक ही ब्लॉक में, एक ही सांचे में 8 सिलेंडर को रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो मैकेनिकल होंगे, जो भी टेक्नीशियन होगा, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर को रख पाना कितना मुश्किल होता है। जब उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ये चैलेंज दिया कि मेरे को एक ऐसी कार बनानी है, एक ऐसा इंजन तैयार करके देना है आप लोगों को, जिसमें एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो, इन 8ों सिलेंडर को एक ही ब्लॉक में ढालना बहुत ही असंभव लग रहा था उस वक्त में। इसके लिए ड्राइंग आ चुकी, क्योंकि फोर्ड दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, तो उनके पास में वो उन्होंने ड्राइंग तैयार करवा लिया और ड्राइंग तैयार करवा के अपने इंजीनियर्स को सौंप दिया और उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट मेरे को कंप्लीट चाहिए। इंजीनियर तब भी बोलते रहे कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल असंभव है, ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। बट फोर्ड के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि एक ऐसा इंजन जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो, क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा था। उन्होंने इंजीनियर्स को बोला, चाहे जितना समय लगे लगाओ, जितना दिन रिसर्च करना है लगाओ, जितनी टीम बैठानी है लगाओ, बट मेरे को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। और उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बोल दिया कि ठीक है, आप जा सकते हैं। इंजीनियर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया, 2 महीना काम किया, 4 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। फाइनल निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पा रहे थे कि हम इसको करेंगे कैसे। 8 महीना बीता, 10 महीना बीता, फाइनली 1 साल कंप्लीट हो गया, बट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल बाद हेनरी फोर्ड साहब ने फिर से अपनी सारे इंजीनियर्स को बुलाया और एक मीटिंग किया। उसमें डिस्कशन किया कि ये 1 सालों में हमने क्या क्या किया, किन किन पहलुओं पे काम किया, और उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि हम किस पे नहीं किए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इसमें हम अपने काम को, अपना जो हमारा मॉडल है उसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उन लोगों ने इस डिस्कशन के दौरान ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया से उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और फाइनली कुछ दिनों के बाद में ही उन इंजीनियर्स ने, जिसको ये काम बिल्कुल असंभव लग रहा था, जिसको ये पता था कि ये हो नहीं पाएगा, वही प्रोजेक्ट सही साबित हुआ और वो प्रोजेक्ट होके रेडी हो गया और कंपनी ने V8 मॉडल लॉन्च कर दिया, जो कि फोर्ड की सबसे बड़ी सक्सेस कार रही थी। अब ये फोर्ड की जो कहानी है, इससे हमको सीखने को क्या मिलता है कि जो सफलता है ना और असफलता, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही दीवार होती है। सफलता और असफलता के बीच में एक ही दीवार होती है, और वो ये है आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपका दृढ़ निश्चय। क्योंकि जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मेरे को ये काम करना ही है, तब तक आप उस काम को
नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मन में ठान लिया कि ये तो असंभव है तो वो काम असंभव ही लगेगा। अगर आपने ये ठान लिया कि ये काम संभव है और मैं इसे कर सकता हूं, तो आप इसे करके ही रहोगे, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय लिया है और आपका फोकस चारों तरफ घूमने के बजाय उसी एक पॉइंट पे अड़ा रहेगा और आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ में। तब तक के लिए